व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है, उठो जागो और दौड़ो। नहीं, उठो जागो और पहले पढ़ाई करो, उसके बाद में दौड़ो, ठीक है? इस तरीके से आप लोगों को करना है। देखिए मजाक कर रहा हूँ, जो भी है आप लोगों को जो भी करना है, उठो जागो दौड़ो पढ़ाई करो या जो भी करना है, आपका एक शेड्यूल में होना चाहिए। यानी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कब आप लोगों क्या काम करना है। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर यहाँ पर ये बात बोली गई, तभी आप लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। यानी कि उठो जागो और दौड़ो और तब तक न रुको जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य की तुमको प्राप्ति न हो जाए। यानी कि जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ तब तक आप लोगों को नहीं रुकना है। और बाकी आप लोगों ने थ्री डेट वाला डायलॉग सुना ही होगा कि लाइफ इज ए रेस, नहीं दौड़ोगे तो पीछे छूट जाओगे, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि भैया अपना शेड्यूल बनाकर अच्छे से पढ़ाई कर लिया करते हैं तो अच्छी बात होती है, ठीक है? कुछ अच्छे काम भी कर लेने चाहिए लाइफ में। कहने का मतलब ये है घुमा फिरा के कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा आप लोग एक सही डायरेक्शन सही शेड्यूल में जीना स्टार्ट करो तो जिंदगी जीने का इतना मजा आएगा, आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि जिंदगी इतनी इंजॉयफुल होती है, जिंदगी इतनी इंटरटेनिंग होती है। एक मूवी सी चलती हुई आप लोगों को नजर आएगी अपनी ही लाइफ में, अगर अपनी लाइफ को आप लोग शानदार तरीके से इंजॉय कर पाओगे। तो आइए देखते हैं आज हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। एक नए सप्ताह की शुरुआत करते हैं एक नए जोश और नई उमंग के साथ में, और मैं आशा करता हूं कि ये वीक आप लोगों का बहुत शानदार जाने वाला है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक चेहरे के साथ में। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ये फेस, आप लोगों को पहचाना है ये किस पर्सनैलिटी का फेस है। काफी ज्यादा न्यूज में थे और इसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो गर्माया हुआ था। तो नीचे कमेंट बॉक्स में नाम लिखना है आप लोगों को इन पर्सनैलिटी का, ओके? देखता हूं कौन लेक्चर को ध्यान से सुन रहा है। अगर आप लोग लेक्चर ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप लोग जरूर इनका नाम बता पाएंगे। आइए अब देखते हैं अपना सेक्शन, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, यानी कि इंपॉर्टेंट सोर्स न्यूज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट सोर्स न्यूज है यहां पर निकल कर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि जाने जाते हैं अपने अजीब और गरीब डिसीजन लेने के नाते से। इनको आप लोग जानते हैं कि पता नहीं कौन कौन सी ट्रीट से बाहर निकल चुके हैं, ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल चुके हैं, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल चुके हैं, और अभी एक नया और अनाउंसमेंट किया गया इनका, जो किया गया था कोल्ड वार के ड्यूरेशन में। कोल्ड वार के ड्यूरेशन में यूएसए और यूएसएसआर के सहर में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था इनके द्वारा कि जो भी मिसाइल से रिलेटेड ये पैटर्न था कि आप लोगों को क्या करना है कि ये अभी आगे बताऊंगा, पहले इसके बारे में सुनिए आप लोग। यहां पे क्या क्या अभी ये एक एग्रीमेंट है, ये है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, जिसको INF बोला जाता है। ये ट्रीटी साइन की गई थी यूएसए और रशिया के बीच में, तो इसमें से निकलने की बात इनके द्वारा बोली गई है। अब बात करते हैं इस कंप्लीट एग्रीमेंट के बारे में, क्या साइन किया था, किसके द्वारा साइन किया गया था, तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए यहां पर, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी के बारे में, जिसको INFT बोला जा रहा है, इनके ट्रीटी टी का मतलब। ये साइन की गई थी अमेरिका और उस टाइम पर यूएसएसआर जिसको बोलते हैं, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ऑन द एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल और इसी के साथ में शॉर्ट रेंज मिसाइल, यानी कि इसको एलिमिनेट करने की बात की गई थी। 1987 में साइन किया गया था ये एग्रीमेंट कि आप लोगों को क्या करना है। सीधा सीधा ये था कि आप लोगों को जो न्यूक्लियर आप लोग ये इस तरीके की मिसाइल यूज कर रहे हैं इनको एलिमिनेट करना है और इनको यूज नहीं करना है। आखिर ऐसा क्यों था, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए वो एक कोल्ड वार का ड्यूरेशन था, कोई भी किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। हर एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपने कंट्रोल में रहना चाहती थी, खासकर अगर बात करें यूएसए की और यूएसएसआर की। यूएसए चाहता था अपना एक ग्रुप हो, यूएसएसआर चाहता अपना एक ग्रुप हो, एक कैपिटलिस्ट कंट्री बनाना चाहता था, दूसरा कम्युनिस्ट कंट्री बनाना चाहता था। तो इसलिए इनकी एक वार लगी हुई थी उस टाइम पे, एक वॉर के जोन में थे दोनों कंट्री। तो दोनों ही कंट्री ने एक तरीके से पूरा दंगल या महाभारत बना रखा था ऑल ओवर वर्ल्ड को। तो उस टाइम पर ये ट्रीटी साइन करते हुए ये बोला गया था कि हम इन सब चीजों को कंट्रोल कर चलेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ये बोले कि हम इससे बाहर निकलते हैं और हम अपना हिसाब अपने आप देखेंगे हम लोग क्या करना है, जो पुरानी ट्रीटी है ये। आगे चल के यूएसएसआर का विघटन हो गया और उसके बाद में यूएसएसआर की जगह ले ली गई रशियन फेडरेशन, या फिर जिसको हम लोग रशिया बोलते हैं, जिसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो भी काफी अनोखी पर्सनैलिटी है, तो इनके द्वारा यहां पर ली गई। तो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर बात की जा रही है ये INF ट्रीटी, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि कब साइन की गई थी, तो ये साइन की गई थी 1987 में, ठीक है, 8 दिसंबर 1987 में। टाइम भी लिखा हुआ है 1:45 1:45 पर। कहां साइन की गई थी, ये व्हाइट हाउस वॉशिंगटन डीसी में साइन की गई थी, और जो इफेक्टिव आई थी, मतलब कि जो इस तरीके इसको इंप्लीमेंट किया गया था, ये 1988 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था, रेक्टिफिकेशन किया गया था दोनों के द्वारा, सोवियत यूनियन के द्वारा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये आप लोग ध्यान देखिएगा। ये कब एक्सपायर होगी, ये कोई डिसाइड नहीं किया गया था कि कब एक्सपायर होगी, तो ये तब से चली हुई आ रही है। इसीलिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मैं इस ट्रीटी से बाहर निकलता हूं, एक्चुअल में बात ये है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं, क्वेश्चन आप लोगों के यहां पर बन सकता है। अब दोनों पर्सनैलिटी के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए जिनके द्वारा ये ट्रीटी साइन की गई थी।
तो दोनों इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी थी, एक थे यूएस के प्रेसिडेंट, नाम है यहाँ पर रोनाल्ड रेगन, और दूसरे थे यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी, ये है मिखाइल गोर्बाचोव। तो इनके दोनों के पर्सनैलिटी के नाम आप लोगों को याद रखने हैं, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये ट्रेड है, खासकर न्यूज में आ गई है फिर से, तो आप लोगों से एक बैकग्राउंड में जाकर क्वेश्चन यहाँ पर इससे बन सकता है। आगे चलते हैं, अगली बात काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा है। बात की जा रही है, अभी इनॉग्रेशन किया गया है पुलिस से रिलेटेड म्यूजियम का। म्यूजियम एक ऐसा संग्रहालय होता है जहां पर दस्तावेज रखे जाते हैं पुराने, और इस तरीके से यहाँ पर एक म्यूजियम की बात की जा रही है जो कि कंप्लीटली पुलिस के लिए डेडिकेटेड रहेगा। हमारी कंट्री में जो भी हिस्ट्री में पुलिस के द्वारा यहाँ पर जो भी पर्सनैलिटी के द्वारा सेक्रीफाइस किए गए हैं पुलिस पर्सनल के द्वारा सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 से लेकर आज तक का जो भी यहाँ पर चीजें हैं वो सारा संग्रहालय यहाँ पर पुलिस से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया है, क्वेश्चन बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। लोकेशन कहां पर है, लोकेशन है न्यू दिल्ली में। इसी के साथ में आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है घुमा फिराकर कि हमारी कंट्री में जो पुलिस है उसकी जो ट्रेनिंग कहां पे की जाती है, या फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नेशनल पुलिस एकेडमी कहां पर है और उसका पूरा नाम क्या है। नेशनल पुलिस एकेडमी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से यहां पर जानी जाती है, जिसको बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, और यह हैदराबाद में है। हैदराबाद कहां पर है, ही तेलंगाना में पड़ता है। पहले यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की कैपिटल था, हालांकि अब भी है, पर लेकिन आंध्र प्रदेश अब नई कैपिटल बना रहा है। अब यह तेलंगाना के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि 2014 में अलग स्टेट बन गया था। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो भी आप लोग बताइए, जो भी यहां पर जिस तरीके से यहां पर ये पुलिस एकेडमी है, आईएएस की एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी मसूरी में है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत ही शानदार एक जन्नत आप लोग बोल सकते हैं उसको, हर एक स्टूडेंट जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वहां जाना एक सपना होता है, तो उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ पर्सनैलिटी ऐसी थी हिस्ट्री में जो अपने दम पर जी कर गई हैं, उनमें से एक का एक था यहाँ पर, नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हैं सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी ने लाइफ जो है अपने हिसाब से जी है, उन्होंने कभी भी किसी के दबाव में या किसी के प्रेशर में आकर अपनी लाइफ नहीं जी है। जब उनको लगा कि कुछ करना है अच्छे से, तब उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेप उठाए कि जो उस टाइम पर बड़े बड़े लीडर थे महात्मा गांधी जी जैसे, तो उनको भी एक तरीके से उन्होंने साइड में हटा दिया। उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अपनी खुद की फौज तक तैयार कर डाली उन्होंने, वो भी दूसरी कंट्री में जाकर, जहां पर लोग अपना एक ढंग से घर नहीं बना पाते हैं, वहां पर जाकर उन्होंने अपनी पूरी फौज तैयार कर दी, और एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की बात की कि अंग्रेजों को यहां से मार के भगाया जाएगा। तो उसी की 75वीं एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट की गई है, रेड फोर्ट पर यहां पर ध्वजारोहण किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो आप लोगों को याद रखना है, अगर कोई भी यहां पर एक इवेंट कोई ऐसा होता है जिसके 25 साल 50 साल 75 साल या फिर 100 साल यहां पर होते हैं, उसके बारे में आप लोगों को जरूर याद रखना है। इसी तरीके से जैसे 2019 में महात्मा गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री के जो आजादी के 75 साल सेलिब्रेट किए जाएंगे 2022 में, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेल्सन मंडेला जी की अभी अभी बर्थडे जो सेलिब्रेट किया गया है, वो कौन से नंबर का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है, और उनकी स्टैचू अनवील की गई थी कहां पर, यूएन के हेडक्वार्टर में, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेल्सन मंडेला कौन है, इनको साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है वो कौन से नंबर की थी, ये यहां पर 100वीं थी, 150वीं थी, या कौन से नंबर की थी, आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ये याद रखिएगा 75वीं थी आजाद हिंद गवर्नमेंट की। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने कई बार एक कहावत सुनी होगी, यार ये काम हो ही नहीं रहा है, बीरबल की खिचड़ी बन के रह गया है। तो ये बीरबल की खिचड़ी बन के रह गया ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट क्या है यहाँ पर, ये बीआर से ब्रिटेन, यानी कि यूके जिसको आप लोग बोलते हैं, और एग्जिट का मतलब है निकलना। तो ब्रिटेन निकलने की बात कर रहा था यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है जिसमें 28 कंट्री आती हैं। 28 कंट्री में से यहां पर 19 कंट्री ऐसी हैं जो उनकी यूरोपियन यूनियन की यूरो यूज करती है करेंसी, और बाकी की खुद की करेंसी भी यूज करती है, और दोनों पैरेलल में यूज करते हैं। पर लेकिन अभी यहां पर जो देखिए एक टाइम होता है, आप लोगों ने सुना होगा अगर कहीं पर किसी की लड़ाई हो रही है, तो जो उस लड़ाई में जो होता है वो एट ए मोमेंट ही हो जाता है, बाद में तो फिर सलाही होती है, यानी कि जिसने थप्पड़ मार दिया जो जीत गया उस टाइम पर वो वहां पर जीत जाता है, बाकी बाद में क्या करते हैं कि हाँ बदला लूंगा, ये कुछ बदला नहीं होता, बाकी चल गया, बाद में सलाही होती है। तो यहां पर देखिए जब ब्रेक्जिट हुआ, यहां पर जब रेफरेंडम किया गया, अगर उसी टाइम पर यहां पर ये जल्दी जल्दी निपटा देते काम को, तो ये सब कुछ अलग हो जाता, पर इन्होंने ये आराम से टाइम ले रहे थे, कभी कुछ चल रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर से बात करिए कि फिर से यहां पर रेफरेंडम कराओ, फिर से यहां पर देखो। रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम एक तरीके का इलेक्शन होता है, यानी कि जनता से डायरेक्ट पूछा जाता है कि भैया हम इस पे क्या डिसीजन लें। गवर्नमेंट खुद जनता के सामने आती है उस टाइम पर और जनता से पूछती है, जिस तरह से वोटिंग नहीं डाली जाती है। अगर छोटी कंट्री है वहां पर ये पॉसिबल हो जाती है, हमारे जैसी बड़ी कंट्री में तो खैर नहीं पॉसिबल हो पाएगा,
जैसे कि यूके हो गया, या फिर आप लोग देखिए सिंगापुर जैसी कंट्री हो गई, तो छोटी छोटी जो कंट्री है यहाँ पर, तो कुछ पर्टिकुलर एरिया हो गया, तो वहां पर रेफरेंडम करा लिया जाता है, जनता से डायरेक्ट वोट मंगा लिया जाता है कि आप लोग बताइए इस पर्टिकुलर मुद्दे पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं रेफरेंडम। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर रेफरेंडम जो हुआ था, यहाँ पर 52% लोगों ने यह बोला था कि हम लोगों को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना है, और 48 ने यह बोला था कि यूरोपियन यूनियन के साथ में रहना है। अब बात क्या निकल के आ रही है, अब देखिए ज्यादा डिफरेंस तो यहाँ पर था नहीं, अगर देखेंगे तो अभी जो यहाँ पर कुछ थे वो इधर घूम के आ गए हैं। बात यह आ रही है निकल के कि हमको तो भैया यूरोपियन यूनियन के साथ में रहना है, तो काफी लंबे समय से जद्दोजहद चल रहा है, देखिए कब तक इसका सोल्यूशन निकलता है, आगे जो भी सोल्यूशन निकलेगा हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट एक पर्सनैलिटी से मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूं, इनका नाम है आर के पचौरी। ये एक ऐसी पोस्ट से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी हमारी कंट्री की, जो कि काफी शानदार पोस्ट थी हमारी कंट्री की भी, और आप लोगों को यहां पर नजर आएगा अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसी पोस्ट पे ये रहकर आ चुके हैं कि आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि ऐसी एक पोस्ट पे रहकर भी कि किसान के एक इंसान के खिलाफ ऐसे सेक्स लग सकते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट का इनके ऊपर ये एक तरीके से केस चल रहा है जो कि इनके क्लीग ने यहाँ पर लगाया था। ये चेयरमैन रह चुके हैं आईपीसीसी के अभी आप लोगों को रिपोर्ट देखने को मिली, जिसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसने ये बोला है कि एक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप लोगों को टेम्परेचर कंट्रोल करना है, अगर नहीं करे तो खतरनाक सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो उस पैनल के ये चेयरपर्सन रह चुके हैं, ये जो पोस्ट इनके द्वारा रखी गई है 2002 से लेकर 2015 तक ये पोस्ट इनके अंडर में रही है, 2015 के बाद में इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट का केस इनके ऊपर चल गया। आईपीसीसी को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है चलिए तो जाकर देखिए और मुझे बताइए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा उसका। तो ये इसके साथ में ये अभी जो चेयरमैन थे यहाँ पर, ये एनर्जी एंड द रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी, तो इसका भी आप लोग नाम याद रख सकते हैं, इसके बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रख सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो जो ये इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, ये बनाया गया था 1974 में, ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको बोला जा रहा है यहाँ पर, नाम यह जरूर याद रखेगा, यह एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूट जिसको टेरी बोला जा रहा है, ये 1974 में बनाया गया था यानी कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, और फाउंडर कौन थे, ये थे दरबारी एस सेठ, एक नए एक एनजीओ टाइप की यहाँ पर ये है, ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। तो इसके भी चीफ ईयर रह चुके हैं, तो दोनों एजेंसी के बारे में आप लोगों को बता दिया, टेहरी के बारे में भी और आईपीसीसी के बारे में भी, तो इसलिए ये पर्सनैलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, न्यूज में है तो क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं, अब ये है क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछे थे और शानदार तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर आंसर दिए। तो यहाँ पर पहले मैंने आप लोगों से कुछ एजेंसीज के नाम पूछे थे जो कि आप लोगों की स्पेस एजेंसी है अलग अलग कंट्री की, वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, मैच करने के लिए क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के शानदार तरीके से। पहली जो यहाँ पर है ये CNSA, चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी। दूसरी यहाँ पर ESA, जिसको बोलते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये यूरोप की मैंने अभी आप लोगों को बता रहा है, यूरोपियन यूनियन की 28 कंट्री है, तो 28 कंट्री में से सेवरल कंट्री की जो स्पेस एजेंसी है वो इसी को यूज करते हैं, यानी कि इसी के उस बेस पर काम किया जाता है। इसीलिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहां पर यूरोपियन जो यूनियन है ना, उसको एक कंट्री की तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखते हैं। और यह हमारे प्यारा भारत यानी कि इंडिया, ये है हमारा प्यारा इसरो, जिसको बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कौन है आज की डेट में इसके चेयरपर्सन, ये बताइए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, काफी न्यूज में रहती है। नेक्स्ट यहां पर जापसा, ठीक है, यह जापान स्पेस एजेंसी। नासा, यह अमेरिकन स्पेस एजेंसी। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, इनके बारे में याद रखेगा। इसके अलावा बात करते हैं यहां पर, मैंने पूछा था यहां पर जो 13th एशियन, यह एशिया यूरोपियन समिट जो होने वाली है 2020 में, ये कहां पर होने वाली है, तो ये होने वाली है कंबोडिया में। कंबोडिया में होने वाली है ये 13th एशियन यूरोपियन समिट, और अभी 12वीं हुई है, जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी वहां पर घूम कर आए हैं, तो वो याद रखिएगा। वो कहां पर हुई है, वो ब्रसेल्स बेल्जियम में आप लोगों को देखने को मिली है। हर 2 साल में ये मीटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, अभी 18 में हुई है, अगले वाली होगी 20 में, और फिर होगी 22 में, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं, एशिया और यूरोप दोनों मिलकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम है उनके ऊपर फोकस देने के लिए ये समिट ऑर्गेनाइज कराई जाती है। आइए अब आप लोगों को लेकर चलता हूं अपने नेक्स्ट पड़ाव पर, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज, काफी इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। फिर से बात करते हैं इस महान इंसान के बारे में, ईरान के ऊपर नए सैंक्शन लगाने की बात की जा रही है यहाँ पर, इनके द्वारा किस किस फील्ड में सैंक्शन लगाने की बात की जा रही है। ईरान की ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, स्टील कंपनी, इसके अलावा और भी कई इन्वेस्टमेंट या फिर कमोडिटी या इंजीनियरिंग प्रोडक्ट पर यहाँ पर बात की गई है सैंक्शन लगाया जाएगा। अगर ये सैंक्शन लगाते हैं यहाँ पर, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, तो देखिए किसी पर्टिकुलर कंट्री से अगर कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा गया, उसके सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, तो उस कंट्री की इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा, और इकोनॉमी को नुकसान होगा तो फिर देखिए
कंट्री जो है प्रेशर में आ जाएगी, कई सारी प्रॉब्लम वहां पर फेस करनी पड़ सकती है। तो फ्रेश सैंक्शन यहां पर अभी इनके द्वारा बोले गए हैं, टारगेट किया गया खासकर एनर्जी और फाइनेंशियल सेक्टर को यहां पर। और फर्स्ट राउंड अमेरिकन सैंक्शन जो इफेक्ट में आए थे ये अगस्त में आए थे, ठीक है। अब यहां पर अक्टूबर में सेकंड राउंड आप लोगों को देखने को मिल रहा है। उस टाइम पर इनकी अलग अलग कंपनी से कॉल हो गया, इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर हो गया या ऑटो सेक्टर हो गया, उस टाइम पर इस पर सैंक्शन लगाए गए थे। ये आप लोग थोड़ा सा हिस्ट्री इसके बारे में याद रखिएगा। P5+1, P5 में कौन आते हैं? परमानेंट 5 मेंबर आते हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के हैं। परमानेंट 5 मेंबर कौन से हैं? ये है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ जाता है, ठीक है। यूएसए हो गया, यूके हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, और एक और बच गया, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। चार मैंने बता दिया, एक तो आप लोगों को बताना चाहिए। तो ये मेंबर आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, और प्लस वन है यहां पर जर्मनी। इन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था कि ईरान को यहां पर न्यूक्लियर बम बनाने से रोकना है। तो ईरान उस एग्रीमेंट के हिसाब से प्रॉपर काम कर रहा है, पर लेकिन ये भाई साहब ये बोले कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है उसका प्रॉपर वे से काम करना, मैं तो सैंक्शन लगाऊंगा। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि सैंक्शन लगाते हैं उनके ऊपर, तो वो बात इन्होंने की और इन्होंने सैंक्शन लगा दिए, क्योंकि प्रेसिडेंट है भैया, कुछ भी कर सकते हैं आज के डेट में। हालांकि ईरान की कोई गलती नहीं है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से पहले बराक ओबामा जी यहां पर इनके साथ में बात करते गए थे, ये उसी एग्रीमेंट को ढंग से फॉलो करके चल रहे हैं। पर लेकिन क्या किया जा सकता है, अगर क्या बोले जाए, कई तरीके बातें बोली जाती हैं। देखिए, जब इंसान की बुद्धि फिरती है तो क्या बोला जाए उसके बारे में, वो क्या क्या कर रहा है, तो कुछ ऐसे ही स्टेप इनके द्वारा उठाए जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन यहां पर हमारे बैंकिंग सेक्टर से निकल कर आ रही है। बैंकिंग सेक्टर में जो फ्रॉड हो रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो उसके बारे में यहां पर अभी रिसर्च की गई है सीवीसी के द्वारा। इसको बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, या एक तरीके से आप लोग इसको निगरानी भी आयोग बोल सकते हैं, जो कि काम करता है गवर्नमेंट में अगर कोई भी धांधलेबाजी हो रही है उनको बाहर निकाल के रखता है, और एक तरीके से क्लीन और एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट को एक तरीके से सामने निकालने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर लगभग 100 बैंक फ्रॉड के ऊपर जो टिल 2017 तक हुए हैं उनका आइडेंटिफाई किया गया, क्या क्या लूप होल थे, क्या क्या प्रॉब्लम थी वहां पर, वो सारी चीजें देखी गई और कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए सजेशन भी यहां पर दिए गए सीवीसी के द्वारा। तो हल्का सा सीवीसी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसको बोला जाता है, एक यहां पर इंडियन गवर्नमेंट की बॉडी है जो क्रिएट की गई थी 1964 में, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर जो भी करप्शन होते हैं उनको कम करने की यहां पर बात की गई थी। और इसके अलावा फिर जो असलियत में यहां पर एक्ट बनाकर फिर इसको इंप्लीमेंट किया गया था 2003 में, पार्लियामेंट इनेक्ट किया गया था एक लॉ जिसके तहत इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। यानी कि पहले तो ये बॉडी क्रिएट कर दी गई, फिर लॉ के तहत इसको बना दिया गया ताकि और ज्यादा परमानेंट हो जाए और गवर्नमेंट में जो भी प्रॉब्लम यहां पर करप्शन वगैरह है उनके ऊपर ये ध्यान रख सके, ठीक है। तो वैसे बनाया गया था कब, 1964 में, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था 2003 में, ठीक है। इसी के अलावा यहां पर जो आज की डेट में इसके चेयरमैन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, कुछ आप काम आप लोग कीजिए, कुछ मैं करता हूं, दोनों मिलकर काम कर लेते हैं तो सारा काम हो जाएगा है? चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या बात की जा रही है। जो स्टडी की गई यहाँ पर 13 सेक्टर यहाँ पर कंप्राइज, जो खासकर जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं, एविएशन, साइंस एंड टेक, ट्रेडिंग, ये सारे जो सेक्टर हैं यहाँ पर, इनके अंदर भी स्टडी यहाँ पर की गई, जहां जहां पर जो भी डिस्ट्रेस था, जहां जहां पर जो भी प्रॉब्लम थी, वो सारी चीजों पर ध्यान रखा गया। और जो भी अकाउंट थे, सबसे बड़ी बात ये, जो भी यहाँ पर फ्रॉड पाए गए उन अकाउंट होल्डर के नाम यहाँ पर अभी डिस्क्लोज नहीं किए गए, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम निकल के आ जाती है। बिल्कुल ऐसे है जैसे मान लीजिए कोई ऐसी पर्सनैलिटी के ऊपर आप लोग बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं और वो लगे कि उसने आप लोगों का ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, तो देखिए एक तरीके से दिल को आघात पहुंचता है, ठीक है, कि यार ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, इसके तो ऊपर मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इंसान ऐसा करेगा। तो इसीलिए मान लीजिए अगर कोई हॉस्पिटल है जहां पर ये ऐसी हरकतें हो रही हैं, उल्टी सीधी हरकतें, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, या फिर मान लीजिए आर्मी कोई ऐसी हरकतें कर दे, तो हम लोगों को लगे यार आर्मी ऐसा काम कैसे कर सकती है। तो उसको ट्रस्ट को मेंटेन रखने के लिए वो बहुत जरूरी है गवर्नमेंट एजेंसीज में, अगर वो खत्म हो गया तो कोई यहां पर गवर्नमेंट एजेंसी के पास नहीं जाएगा। तो कमीशन ने कई सारे सेशन भी यहां पर बताए कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, SOPs होना चाहिए, जिसके हिसाब आप लोग काम करना है, मॉनिटर करना है चीजों को, और एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बना के रखनी है ताकि जो काम है वो आराम से यहां पर चल सके, ठीक है। तो ये बात बोली गई यहां पर ताकि आगे से ऐसे फ्रॉड हमारी कंट्री में न हो और हमारी इकोनॉमी जो है वो शानदार तरीके से आगे बढ़ती रहे। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं राज्य की न्यूज के ऊपर। तो यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है यहां पर वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और वेस्ट बंगाल के बारे में बात करें तो बात की जा रही है फूड सिक्योरिटी के बारे में। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है, जनता को एक अच्छा खाना प्रोवाइड कराना। तो आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में फूड सिक्योरिटी एक्ट जो यहां पर लॉन्च किया गया था वो 2013 में लॉन्च किया गया था कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा। जाते जाते वो एक तरीके से हाथ पैर मार के गए थे कि हम कुछ ऐसा कर दें ताकि हमारी कंट्री में लोग जो है वोट दे दें। हालांकि ये काम नहीं कर पाया, पर लेकिन अच्छा काम करके चले गए। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी है। गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने ये बोला था कि यहां पर लगभग 75% तो यहां पर हमारे जो है गांव की पॉपुलेशन और 50% जो है यहां पर हमारी अर्बन पॉपुलेशन, उसको कवर किया जाएगा। और कवर करने के तहत जो
चावल रहेंगे वो तो रहेंगे यहाँ पर 3 रुपये पर केजी, जो अनाज रहेगा यानी कि गेहूँ रहेंगे वो रहेंगे 2 रुपये पर केजी, और इसके अलावा जो मोटा अनाज रहेगा ठीक है ना उसका भाव यहाँ पर रखा गया था 1 रुपये पर केजी। तो 1, 2, 3 ये 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया था और यहाँ पर जो हमारी जनता है उनको फूड सिक्योरिटी के तहत लाया जाए ये बात की गई थी। पर लेकिन स्टेट में अलग अलग तरीके से उनको बोला गया आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए कुछ स्टेट में कुछ पर्टिकुलर एरिया में स्टेट वाले ढंग से समझेंगे ना कि वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उनको एक तरीके से छूट दे दी गई थी कि आप लोग ढंग से इसको अपने आप इंप्लीमेंट कीजिए। तो ममता बनर्जी अब यहाँ पर बोल रही है ये नई एक है यहाँ पर जिसके तहत एक स्कीम के तहत इनकी खुद की जो लॉन्च की गई थी उसके तहत यहाँ पर अब ये स्कीम को लॉन्च करी है जिसका नाम है खाद्य साथी, ठीक है? तो ये आप लोग याद रखेगा। तो ये स्कीम के तहत यहाँ पर लॉन्च किया गया जिसमें 8.5 करोड़ जो लोग हैं उनको इससे कनेक्ट किया जाएगा और 2 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से यहाँ पर ये राइस और चावल दोनों दिए जाएंगे। जबकि जो मेन फूड सिक्योरिटी एक्ट जो हमारी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया गया था तो उसमें क्या था, उसमें राइस का जो था 3 रुपये पर केजी था और चावल का 2 रुपये पर केजी था, पर यहाँ पर दोनों को इक्वल कर दिया गया है। स्कीम ये लॉन्च की गई थी 2016 में और इस स्कीम के तहत यहाँ पर चीजों को अब कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि अब जो है यहाँ पर लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा कुछ एरिया में स्पेशल असिस्टेंट प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। आखिर कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां पर प्रॉपर एरिया का डेवलपमेंट नहीं रहता है, मान लीजिए कोई हिली एरिया है वहां पर पहाड़ी पहाड़ देखने को मिलेगी ना तो वहां पर एग्रीकल्चर हो सकती है ना कोई और दूसरा काम ढंग से किया जा सकता है, तो उसके लिए स्पेशल रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक है ये है जंगल महल और दूसरा यहाँ पर हिली एरिया, इनको यहाँ पर जो अलग से यहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है? और इसके अलावा फार्मर ऑफ सिंगूर ये पर्टिकुलर एरिया भी यहाँ पर आइडिया आप लोग रखते हैं। पर लेकिन वेस्ट बंगाल के द्वारा यहाँ पर ये जो स्कीम है खाद्य साथी ये जरूर याद रखेगा, ठीक है? आगे चलते हैं, अगली नजर यहाँ पर डालते हैं एक अवार्ड के बारे में। तो ये यहाँ पर जो न्यूज निकल कर आ रही है प्रसार भारती से निकल कर आ रही है। प्रसार भारती हमारी कंट्री में एक एजेंसी है जो कि फोकस देकर चलती है कि किस तरीके से पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग हमारी कंट्री में की जाती है, ठीक है? एक स्टेचुटरी और एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि यहाँ पर पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। ये क्वेश्चन इस प्रसार भारती के बारे में यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। कौन कौन इसके अंदर में आते हैं? दूरदर्शन, टेलीविजन नेटवर्क, ऑल इंडिया रेडियो, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। बनाया कब गया था इसको? 1997 में बनाया गया था इस बॉडी को यहाँ पर, और न्यू दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर नजर आएगा। जो मैंने अभी बताया याद रखिएगा, आकाशवाणी, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो सर्विस है, और इसके अलावा दूरदर्शन जो टेलीविजन आप लोगों को देखने को मिलता है वो इसी के अंडर में आते हैं, इसकी चाइल्ड एजेंसी कहलाते हैं प्रसार भारती के। तो आखिर न्यूज में क्यों है, अब ये बात आप लोग सुनिए। बात की जा रही है राजभाषा अवार्ड्स के बारे में। प्रसार भारती के सीईओ है यहां पर, तो सीईओ के द्वारा अभी यहां पर राजभाषा अवार्ड यहां पर प्रस्तुत किए गए हैं प्रसार भारती के इंप्लॉय के द्वारा। राजभाषा यानी कि हिंदी जो है हमारी कंट्री में उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, तो हिंदी पखवाड़ा ऑर्गेनाइज कराया गया था प्रसार भारती सेक्रेटरिएट के द्वारा, ताकि हिंदी को डे बाय डे के यूज में और ज्यादा बढ़ाया जा सके। रीजन क्या है? देखिए चाइना में चाइनीज देखने को मिलेगी, जापान में जापानीज, आप लोग को अलग अलग कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री की भी कोई ऐसी लैंग्वेज होना चाहिए जो सबको बांध सके, तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्लियामेंट में भी ये बातें डिस्कस की गई थी जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था। पर लेकिन नॉर्थ में कुछ और बोली जाती है, साउथ में कुछ और, ईस्ट में कुछ और वेस्ट में कुछ और। हमारी कंट्री की जो कल्चर है वो काफी डाइवर्स है, इसीलिए हमारी कंट्री में एक लैंग्वेज पॉसिबल नहीं है। पर फिर भी कोशिश करते हैं कि कोई एक लैंग्वेज तो ऐसी हो जाए जो थोड़ा सा लार्ज स्केल की जनता को ये माना जाए कि हाँ ये काफी जनता बोलती है। तो हिंदी को बढ़ावा देने की बात की जा रही है ताकि हिंदी को और अच्छे लेवल पर ले जाया जा सके और ताकि और ज्यादा लोग इसको ढंग से अंडरस्टैंड कर सके। तो जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं ये किए गए हैं प्रसार भारती के सीईओ के द्वारा। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सीईओ शशि शेखर वामपंथी, ठीक है? तो ये है यहाँ पर चेयरमैन। बाकी प्रसार भारती के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को थोड़ी बहुत दी गई है उसको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, न्यूज में है एजेंसी। पर्सन इन न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी न्यूज में रहे हैं। अभी एनडी तिवारी जी, इनकी डेथ हो गई है और इनकी ये है 93rd बर्थडे पर इनकी डेथ हुई है। तो जो इनकी डेथ यहाँ पर हुई है अभी यहाँ पर, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ओनली एक ऐसे सीएम है हमारी कंट्री के जो 2 स्टेट के सीएम रहे हैं, उत्तर प्रदेश के रहे हैं पहले और फिर बाद में चलकर जब उत्तराखंड बन गया, अलग हो गए तो उत्तराखंड के सीईओ बने हैं, ठीक है? तो दो स्टेट के सीईओ ओनली पर्सन हमारी कंट्री में इनकी डेथ हुई है। इसी के साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं और यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं 2007 से 2009 के बीच में, ठीक है? तो काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन्होंने यहाँ पर ली है, तो इनके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। एक पॉलिटिशियन थे कांग्रेस पार्टी से कनेक्टेड, ठीक है? तो पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में आ जाता है कि बताइए कि ये किस फील्ड से थे यहाँ पर, तो ये एक पॉलिटिशियन थे। बाकी थोड़ी नजर डालते हैं यहाँ पर खेल खबर के ऊपर। तो जो पहली न्यूज निकल कर आ रही है यहाँ पर आप लोगों के सामने, अभी यहाँ पर इंडिया ने बीट किया था किसने, ओमान को, ठीक है? तो यहाँ पर ये ओमन में यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिला, इंडिया ने बीट किया था ओमन को 11-0 से, तो कितने शानदार तरीके से हराया था कहाँ पर, एशियन चैंपियन ट्रॉफी में, ओके? और लोकेशन भी याद रखिएगा, ओमन में ही हो रही है ये एशियन चैंपियन ट्रॉफी, ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर डेनमार्क ओपन की, तो ये हमारे लिए दुख खबरी है। यहाँ पर साइना नेहवाल को हरा दिया गया है ताई तिजू यिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये ताइवान की थी, ऐसे ही नाम है यहाँ पर, तो यहाँ पर इनके द्वारा हराया गया है यहाँ पर हमारी कंट्री की जो सेटलर है साइना नेहवाल को, और ये इंपॉर्टेंट है डेनमार्क ओपन में, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर, तो इनको यहाँ पर एक तरीके से सेकंड पोजीशन मिली है, फर्स्ट पोजीशन पर है ये पर्सनैलिटी। बाकी अब नजर डालते हैं वन लाइनर, जो कि आप लोगों का फेवरेट सेक्शन होता है, यहाँ पर रिवीजन भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस सेक्शन में मैं थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगेगा। आने वाले लेक्चर में आप लोगों को इस वाले सेक्शन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चेंज देखने को मिलेगा, उससे आप लोगों के माइंड पर थोड़ा सा और जोर पड़ने वाला है, यानी कि आप लोगों को कुछ सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा। उसके बाद में आप लोगों का ये सेक्शन बताया करूंगा, देखते हैं कैसा होगा, वो इंटरेस्टिंग सेक्शन होने वाला है, तो ध्यान से रखिएगा। आगे देखते हैं, अभी फिलहाल देख लेते हैं इसको। बात की जा रही है दो इंडियन को अभी यहाँ पर, ये एक तो है भारत वाटवानी, ठीक है, और दूसरे यहाँ पर ये है सोनम वांगचुक, ठीक है, जो थ्री डेट मूवी देखी होगी आप लोगों ने, जो आमिर खान का रोल प्ले किया गया था वो कहीं ना कहीं इन्हीं से इंस्पायर था। तो इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 दिया गया है, दोनों पर्सनैलिटी का नाम याद रखिएगा। यह है रानी रामपाल, रानी रामपाल यहाँ पर जो क्लोजिंग सेरेमनी थी 2018 की, जो अभी एशियन गेम हुए थे उसमें यहाँ पर इनके द्वारा हमारा झंडा लेकर चला गया था, जो यहाँ पर स्टार्टिंग किया गया था, यहाँ पर ये किया गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा जेवलिन थ्रो के, जो यहाँ पर इनके द्वारा गोल्ड जीता गया था। नेक्स्ट बात की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से याद आया, द हिंदू संडे का देखिए बहुत कम लोग देखते हैं, वो आप लोग जरूर देखा कीजिए, शानदार न्यूज वहां पर डिस्कस की जाती है, खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। कल की वीडियो अगर नहीं देखी है तो वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी, टेलीग्राम में प्रोवाइड कराई रखी है, वैसे जाकर आप लोग देखते हैं, बहुत सारी न्यूज वहां पर डिस्कस की जाती है, और साइंस एंड टेक से आप लोगों को एक तो ये है कि एग्जाम में आती है, और दूसरी क्या है आप लोगों की लाइफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है वो न्यूज, कुछ ऐसी होती है आप लोगों की एक तरीके से डे बाय डे की लाइफ जो एक्टिविटी उसको सुधारने काम करती है, किस तरीके से खाना पीना होना चाहिए, क्या आप लोगों का रहन सहना होना चाहिए, तो वो आप लोग थोड़ा सा एक तरीके से अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होती है वो, ठीक है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया कीजिए, ओके। इसके अलावा यहां पर बात करते हैं जो यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यहां पर जो मिनिस्ट्री है उसके साथ के जो अंडर डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, इसने अभी इंटरनेशनल एनर्जी, यह इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, इसके बारे में थोड़ा जाकर पढ़िए, कल फिर बताऊंगा। इसके साथ में क्लीन एनर्जी की बात की गई है कि क्लीन एनर्जी पर हम लोग फोकस देकर चलेंगे। कमेटी यहां पर चेयर की गई थी इंद्रजीत श्रीनिवास के द्वारा, तो जो एक कमेटी शेयर की गई थी, उन्होंने फाइनल रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट की है, कंपनी एक्ट को रिव्यू करने की बात यहाँ पर की गई थी, तो जो रिपोर्ट सबमिट की गई है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री जो कि अरुण जेटली के अंडर में इनको दिया गया है। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में देखने को मिलेगा, तो इंडियन इसरो जो हमारी कंट्री की है उसने अभी यहाँ पर इसके साथ मिलकर टेलीमेडिसिन की बात की थी, यानी कि कुछ ऐसे एरिया जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया और हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया हो गए, ऊंचाई वाले, तो वहाँ पर इंडियन जो ये यहाँ पर सोल्जर्स हैं कैसे उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए ताकि अगर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो। गूगल के द्वारा यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसको बोला गया था नवलेखा प्रोजेक्ट में यहाँ पर लोकल लैंग्वेज पर फोकस देने की बात की गई थी ताकि कंटेंट जो है हम लोग प्रोवाइड कराते हैं वो लोकल लैंग्वेज में भी देखने को मिले, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। गूगल का प्रोजेक्ट था, नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये आप लोगों का यहाँ पर रिविजन है जिसमें बात की जा रही है म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, क्या होती है यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया में, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पर किया गया था 1992 में, ये यहाँ पर एक निकल के आया था अमेंडमेंट, ये आप लोगों को ये बताना है उस टाइम पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, अगर लेक्चर पसंद आता तो लाइक जरूर किया कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चीजों को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और ज्यादा लेवल पर हम लोग चीजों को कनेक्ट कर सकें और एक अच्छी सोसाइटी अपनी फैमिली को और अच्छा बना सकें। तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया ताकि आप लोगों को लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखिए, फिर ये फेस आप लोगों से पूछा नीचे कमेंट बॉक्स में, इसका नाम आप लोगों को बताना है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जाना, इन्होंने बात की है INF जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स, इससे बाहर निकलने की बात की गई यहाँ पर, डिटेल में इसके बारे में जाना आप लोगों को पता होना चाहिए। पचौरी जी के बारे में हम लोगों ने जाना यहाँ पर, ये दो एजेंसी से कनेक्टेड थे, दोनों एजेंसी के नाम और उनके बारे में आप लोगों को बताया गया। नेक्स्ट बात की पुलिस म्यूजियम के बारे में जो कि दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने आजाद हिंद फोर्स की 75वीं एनिवर्सरी के बारे में डिस्कस किया। ब्रेक्जिट के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देखने को मिली जो कि बात की जा रही है फिर से रेफरेंडम वगैरह कराने की। ये क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के द्वारा दिए गए, शानदार तरीके से आंसर देते रहिए, अच्छा लगता है मुझे भी, और भी मोटिवेशन अंदर से निकल कर आता है काम करने के लिए और मन करता है। फ्रेश सैंक्शन लगाने की बात की गई है ईरान के ऊपर यूएसए के द्वारा, पहले ऑलरेडी लगा चुके हैं अगस्त में, ये सेकंड राउंड है। नेक्स्ट बात की गई यहां पर एनालिसिस करने की 100 बैंक्स और फ्रॉड जो हुआ है यहां पर सीबीसी के द्वारा, तो सीबीसी के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर एक नई स्कीम जिसका नाम है खाद्य साथी, ये यहां पर फूड सिक्योरिटी एक्ट को बढ़ावा देने के लिए अभी लॉन्च की गई है, तो डिटेल में हम लोगों ने जाना। अगली इन्फॉर्मेशन थी हमारी यहां पर, ये राजभाषा अवार्ड दिया गया सीईओ के द्वारा जो कि प्रसार भारती के, तो प्रसार भारती के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने जानी, इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए। एनडी तिवारी जी के बारे में हम लोगों ने
ने जाना, और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर गेम्स के बारे में जाना, ओमन में जो हो रहे हैं और एशियन गेम, और इसके अलावा डेनमार्क ओपन जो कि साइना नेहवाल जी हार गई हैं। नेक्स्ट आप लोगों को वन लाइनर देखने को मिला, और इसके अलावा हम लोगों ने देखा है रिविजन। ये वीडियो के लिंक आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे, आप लोग उनको जाकर जरूर देखिए ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को अपने तक कनेक्ट रख सकें। बाकी ये था डिस्कशन, अगर लेक्चर पसंद आता तो लाइक जरूर किया कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। इसके अलावा आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, रिवीजन करते रहिए, और जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आप लोगों को मॉर्निंग में द हिंदू के साथ में, उसको एंजॉय जरूर किया कीजिए। अगर आप लोग एक अच्छे लेवल पर अगर आप लोग पहुंचना चाहते हैं तो वहां पर डिटेल में डिस्कशन किया जाता है, आपका एक एनालिटिकल थिंकिंग जनरेट की जाती है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।